ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व सांसद सूरजभान सिंह और नवादा के सांसद चंदन सिंह एक दिवसीय कार्यक्रम के तहत नवादा पहुंचे। परिषदन में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और इस दौरान पत्रकारों के एलजीपी पर कब्जे की लड़ाई के संबंध में पूछे गए प्रश्नों पर सूरजभान सिंह ने कहा कि पार्टी में किसी भी प्रकार की फूट नहीं है, पारिवारिक झगड़े हैं जो बहुत जल्द सुलझ जाएगा। हर परिवार में मतभेद होता है, यह मतभेद भी बहुत जल्द सुलझेगा। सूरजभान सिंह ने कहा कि यह केवल मीडिया के लोगों द्वारा फैलाई गई अफवाह है कि पार्टी में फूट है। लोक जनशक्ति पार्टी आज भी स्वर्गीय रामविलास पासवान की पार्टी है और उन्हीं की रहेगी। पार्टी के सभी कार्यकर्ता उनके दिखाए पद चिन्हों पर चल रहे हैं। समय आएगा जब हर लोगों की नई जिम्मेवारी दी जाएगी। वही राष्ट्रीय जनता दल के विधायक रितलाल यादव समेत विपक्ष के कुछ नेताओं के द्वारा ये कहने पर कि एलजीपी एक जाति विशेष की पार्टी रह गई है और उसकी किंग पिन सूरजभान सिंह है, इस पर उन्होंने कहा कि कौन क्या कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सूरजभान ने रितलाल यादव पर तंज कसते हुए कहा कि बात उनके बारे में की जाती है जिनकी कुछ अस्तित्व होता है। एलजीपी कभी भी जातिवाद की राजनीति नहीं करती। सभी लोगों का अपना ही सम्मान दिया जाता है, हर जाति के लोगों का सम्मान दी जाती है, इसलिए विपक्ष के द्वारा लगाए गए ये आरोप निराधार है। लेकिन इस तरह से अलग हो गए इस पे बताया जाए कि हम सब तो एक ही साथ हैं, अलग कहाँ है अलग हो गया। नहीं, आपका बयान आ रहा है कि चिराग जी की पार्टी है उन्हीं की रहेगी, इसका मतलब क्या है, क्या योजना है? नहीं कि जैसे कि पार्टी रामविलास जी की है, लोक जनशक्ति पार्टी है, जिससे कि आप लोग का अलग हो गया, अलग हो गया, तो पारिवारिक विवाद है जिससे कि सब ठीक हो जाएगा समय आते आते। आखिर इतना बड़ा विवाद क्यों हुआ? कौन ऐसा परिवार है, कौन ऐसा दल है जहाँ विवाद नहीं हो पाए? पार्टी विवाद हो गई ना, पार्टी विवाद। सर रितलाल यादव कह रहे हैं, रितलाल यादव उन्होंने एक वर्ग की पार्टी बना दिया है, कहीं ना कहीं निशाना आपके ऊपर साध रहे हैं कि आपने पार्टी को हाईजैक कर लिया है। उतारो आरोप यही आ रहा है, रितलाल यादव समेत कई कुछ और नेताओं ने यह दिया है बयान कि कौन क्या बोल रहा है उस पर हम नहीं जाते हैं। आम मानस में हम कभी जात पात की राजनीति नहीं की है, जितने भी लोग जनशक्ति पार्टी में चलते हैं लोग कहीं भी आप करते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा।